नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अलीराजपुर में पुलिस थाना क्षेत्र के समस्त ग्रामों के गठित शांति समिति और विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्य का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जहां पर अलीराजपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रमुख लोगों ने पैसा एक्ट कानून के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण में मौजूद रहे। SP मनोज कुमार सिंह ने स्वयं मौजूद रहकर प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्य अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षण देते हुए पैसा एक्ट कानून के प्रावधानों के प्रति वापसी ग्राम स्तर पर उक्त पैसा कानून एक्ट के तहत वाद विवाद और सहमति को बनाए रखने और संचालित करने संबंधित जानकारी अवगत कराई और कानून के संबंध में बारीकी से जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम सभा के दौरान शांति एवं विवाद निवारण समिति के प्रमुख को किस प्रकार अपनी भूमिका निभाना है, उस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने जो जिसका लीगल अधिकार रहेगा गांव की छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा करना। आपका घर है, आपका परिवार है, आपका जंगल है, आपका जमीन है, आपका अधिकार है। गांव की समस्या, गांव का विवाद, गांव में शांति, गांव के द्वारा निपटारा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारे थाने का प्रेशर भी कम होगा, हम छोटी छोटी बात को भग के लिए भगते रहते हैं तो वो भी कम हो जाएगा और गांव में अमन चैन बनाने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर दो भाइयों का विवाद है, दो परिवारों का विवाद है, पति पत्नी का विवाद है, हम आपस में बैठ के सुलह लेने क्या सकता है पुलिस को? आवश्यकता है क्या? क्यों मुकेश, आवश्यकता है क्या? तुम सहमत हो ना? है ये अपने को प्रयास करना है। इसीलिए मैं आपसे बहुत लंबा बात करता हूँ, मेरे सारे बार ऐसे घिसी है कि तो भी मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्ट को समझिए, इसको पढ़िए, इसका लीगल अधिकार शासन आपको दे रही है, समझ करके हर गांव की छोटी समस्या का निपटारा आप खुद करिए। पुलिस के लिए मैं बार बार यहाँ निर्देश दिया हूँ कि अपने जिले में किसी भी आदिवासी भाई बंधु के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो सीधे आप SDCPO साहब हैं, कंडीशनर स्कूल है, मैं बैठा हूँ, मुझे बताइए, हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। बट जो शासन ने कानून बनाया है उसको समझिए। जो समिति 5-7 लोगों की है, 5 लोग हैं, मैक्सिमम 7 लोग हैं, जो महिलाएं भी हैं, वो अपना अधिकार समझे कि हमको कोई गांव में बात आती है तो सबसे पहले अपने में बैठ करके बिल बैठ करके उसका समाधान करना है। जो भी हमारे यहाँ थाने में FIR होता है, सूचना हम लोग आपको देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं या लिखित में भेजते हैं, सूचना देते कि आपके गांव का ये आपका FIR हो गया है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गांव के अमन चैन शांति व्यवस्था बनाए रखे। जब तक आप अपना अधिकार समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आप अमल कैसे करोगे? इसी ख्याल से हम लोगों ने सोचा कि एक प्रशिक्षण शिविर रखा जाए, पैसा एक्ट के बारे में बताया जाए, शांति और विवाद निवारण समिति जो शासन ने बनाया है उन लोगों से सीधे बात किया जाए, उनको बताया जाए, ये केवल कागज पर नहीं होना चाहिए, इसको रूट स्तर पे काम करना शुरू कर दे ताकि पुलिस भी आपके साथ रहे और आपका काम गांव में सॉल्व हो जाए। कुल मिलाकर के अपना गांव, अपनी समस्या अपने द्वारा समाधान। छोटी छोटी बातों में क्यों पुलिस जाएगी? किसी गांव में पुलिस की गाड़ियां ढीली चली जाती है, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, फालतू का भय बनता है। कुछ तो वहां भागते हैं, कुछ वहां भागते हैं। पुलिस आपकी मित्र है, ये मान के आप चलो। अगर आप सही काम करते हो, आपका नियत ठीक है, दृष्टिकोण ठीक है, तो पुलिस आपके लिए मित्रवत व्यवहार करेगी। हाँ, जो बदमाशी करेगा उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करेगा। भाई हम तो कानून का पालन करने वाला एजेंसी है ना, पुलिस कानून को इन्फोर्स करने की एजेंसी है। हमारे बदले जो भी रहेगा एसपी के रूप में वो वही करेगा, तो कानून अपना काम करेगा गलत लोगों के साथ। लेकिन समाज के 95% लोग अच्छे होते हैं, जो शांति चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, है ना? उस दिशा में काम करना है। समिति को स्ट्रॉन्ग कराइए, समिति की गांव में बैठक करिए, सचिव साहब के माध्यम से थाने से कोऑर्डिनेशन होगा और गांव में अमन चैन शांति बहाल करना है। सब लोग एग्री हो हमारे बात से, सहमत हो आप लोग? एक बार हाथ उठे कि हम लोग करेंगे, हम इस समिति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गाँव में अमन चैन बनाए रखेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, पुलिस आपका सहयोग करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो पैसे एक्ट के चलते समिति को स्ट्रांग करना है और गांव की भलाई, गांव की सुकून के लिए सारी समस्या का समाधान गांव में ही करना है, जिसका समाधान हम लोग बैठ के कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक है, पति के माँ बाप के साथ जाएंगे ही नहीं, उसके साथ जाएंगे, माँ बाप परेशान हो रहा है, फिर झगड़ा टूटता है, 50,000 में तय हुआ, 30,000 मिला, 20,000 बाद में मिलेगा, उसके लिए झगड़ा हो रहा है।
माँ बाप अलग परेशान, उसका लड़का अलग परेशान, पुलिस अलग परेशान। ये सब शिक्षा का अभाव है, महिलाओं का सम्मान का अभाव है, हम अपने बच्चों के ध्यान नहीं। ये सब आपको करना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर सामाजिक बदलाव आएगा, ठीक है। अब तीसरी बात रही पैसा एक्ट। ये शासन ने बहुत ही अच्छा कानून बनाया है, इसमें जो प्रावधान है हर गांव में 5-7 लोगों की समिति बनी है जिसमें महिलाएं हैं। मेरा मैं 3 चीज इसमें करने का निर्णय मैंने लिया है। एक निर्णय ये लिया है कि डायल 100 पे जो भी इवेंट आते हैं, जिनमें सूचना आती है, वो सूचना सीधे इस समिति को दिया जाएगा। ये समिति उसका निपटारा करेगी, अगर निपटारा कर दिया, गांव में अमन चैन हो गया, शांति हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग सूचना दे दो कि हाँ सर सूचना आई थी, हम लोग मिल बैठ के बात कर लिए, कोई समस्या नहीं है, उसका पहले निपटारा आपको करना है। दूसरा, जो भी शिकायतें आ रही हैं थाने में आती हैं, एसडीओपी के ऑफिस में आती हैं, मेरे ऑफिस में आती हैं, उसमें सभी शिकायतों को, अधिकांश शिकायतों को, कोई बहुत गंभीर शिकायत है उसको अलग कर देंगे, लेकिन जो अधिकांश शिकायतों को हमने निर्णय लिया है, ये शिकायत हम शांति और विवाद निवारण समिति को देंगे। वो बैठ करके शिकायत का अध्ययन करें, शिकायत के दोनों पक्षों को बुलाए, उनसे बात करें, उनमें समझौता कराए, उनका निपटारा करें, जैसे करना हो करके आपस में उसको आप लोग समझ के उसका निकाल करेंगे। थाने का प्रेशर भी कम होगा, आपके गांव में विवाद भी नहीं होगा और थाने मुकदमा भी नहीं कायम होगा। पुलिस जाएगी जाँच करने, आवेदन की जाँच करें, उनको बुलाएगी। आप परेशान, पुलिस वाला अच्छा नहीं बोल रहा है, खराब बोल रहा है, मार कर रहा है, गाली दे रहा है, सब तरह की बातें आएंगी। नहीं मानोगे, थाने में अपराध कायम होगा, कोर्ट जाएगा, चलान पेश होगा। इन सबसे बचाव का उपाय है कि उस आवेदन की निकाल हम लोग अपने इस शांति और विवाद निवारण समिति में बैठ के कर लें, ये ठीक रहेगा ना, ये रहेगा। और तीसरा मैंने निर्णय लिया है कि जो थाने पे अदब चेक करता है, बहुत सारे में सीधे FIR हो जाता है, एक NCR करता है, अदम चेक करता है, जिसमें अपराध नहीं बनता है, हम आपको कोर्ट जाने का सलाह देते हैं। तो हर NCR की सूचना आपको दी जाएगी, आपके गांव का अदम चेक रिपोर्ट आपको बताया जाएगा कि ये आपके गांव की रिपोर्ट आई है, हम लोगों ने अदम थाने में अदम चेक करा है, कि आप दोनों पक्ष बैठ के आप लोग बात करो आपस में और तय करो कि क्यों विवाद बढ़ रहा है, और तय करके इसका निपटारा करके आपको थाने को सूचना दे दो, हम रिपोर्ट डाल दें, या कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।